आज राजेंद्र नगर से हल्के के सुलेमान नगर डिवीजन में चिंतन में उर्दू मीडियम स्कूल और सुलेमान नगर के एरिया में दौरा किया गया, जो कि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब और बल्लिया के ऑफिसर्स और वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स मिलकर यहाँ पर दौरा किए, क्योंकि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जोनल कमिश्नर से नुमाइंदगी के ऊपर, जो कि उर्दू मीडियम स्कूल के पास SW ड्रेन लाइन जो कि 600 mm डाया का काम चल रहा है, और कल कुछ लोग इसको मीडिया में लाकर, जो कि ख़ास तौर पर जो मजलिस के मुखालिफ है अब्दुल सुबानी बोल के, सुबान रिपोर्टर बोल के, उन्हों चंद लोगों को यहाँ पर आकर बोलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बोलने लगाए। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा आवाम का दर्द अपने दिल में रखकर काम करती है, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है पाइप ड्रेन लाइन का, थोड़ी दुश्वारी हो रही है, मगर ये जो अब्दुल सुबानी है हमेशा मजलिस के ख़िलाफ़ चैनलों पे डालना और मजलिस क्या करी बोल के डालना, तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। और इनका रिकॉर्ड खुद देखिए, इन्हों खुद मीडिया के नहीं है और झूठा चोला पहन लेके मैं मीडिया का हूँ बोल के लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, लोगों से पैसे लेना, और इनके ऊपर माजी में भी कई केसा बुक हुए और जेल को भी जाकर आए इन्हों। तो मैं इनको यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को छेड़ती नहीं, और कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं। मैं ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर काम चल रहा है और कंसर्न ऑफिसर्स भी हमारे साथ है और कारपोरेटर साहब खुद यहाँ पर रोज़ इस काम का मायना कर रहे हैं। थोड़ा जो पाइपलाइन डालने की वजह से रोड कटिंग हुई है, उसके ऊपर CC रोड भी है, मगर अभी काम चल रहा उसके ऊपर से CC रोड डाल दो बोल के बोल रहे हैं। टेक्निकली हिसाब से भी वैसा नहीं होता, 2-4 दिन उसको सट करने, मट्टी सट होने लगते, उसके बाद बराबर CC रोड डाली जाएगी। और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में आप देखिए आज सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर बिला मजहब मिलत करोड़ों रुपये के बल्दी बर्फी आबरसानी के काम चल रहे हैं। हम भी वक्तन फ़ुक्तन आपको यहाँ पर हमारे फेसबुक व्हाट्सअप और चैनल के ज़रिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है, ये सुलेमान नगर एरिया पूरे चट्टाना और पहाड़ा है, उसमें से चट्टानों को और पहाड़ों को काट कर सीवरेज लाइन डालना और वाटर लाइन डालना, फिर उसको पूरा लेवलिंग करके रॉक कटिंग करके CC रोड डालना, ये कोई बड़े ये हिम्मत की बात है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम कर रहे हैं, और ये झूठे बात झूठे चैनल के ज़रिए ये अब्दुल सुबानी जो लोगों को ब्लैकमेल करके कर रहे हैं, इन्हों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छेड़े हैं, बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको भी नहीं छोड़ेंगी। मैं राजनगर असम्बली हल्के के एक इंचार्ज की हैसियत से बता रहा हूँ कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन आवाम के दरमियान में है, हमारे कारपोरेटर साहब और ख़ास तौर पर हमारे एरिया के सुदूर मुतमदीन हर गली गली में आवाम को सहूलत पहुंचा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये अब्दुल सुबानी ब्लैक मेलर ऐसी हरकत कर रहा है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस को मत छेड़ो आप, और मजलिस को छेड़ेंगे तो मजलिस भी आपको नहीं छोड़ेंगे। और मैं फिर 1-2 दिन के बाद यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि हमारे प्रशांत साहब असिस्टेंट इंजीनियर साहब साथ है, ये रोड का काम भी इंशाल्लाह ताला आज रात में नहीं तो कल रात में रोड का काम भी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि काम चल रहा है, काम चलने में थोड़ी दुश्वारी होती है, लाइन डाल रहे हैं जब का जब भी डाल के अलाउद्दीन के चिराग के वैसा जब का जब भी पूरा कर देना बोले तो नहीं होता। टेक्निकली हिसाब से जब लाइन डाली जाती है उसके 4-8 दिन 15 दिन के बाद उसके ऊपर CC रोड डाली जाती है, टेक्निकली जो इंजीनियरों के हिसाब से। तो मैंने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आज ये दौरा भी किया, और इसकी तफसीली रिपोर्ट सदर मोहतरम को दी जाएगी।